नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी सूचना के साथ आप सभी के बीच में आ चुका हूं। 3 जनवरी से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है। राजस्थान के जयपुर में पिछले 25 दिन से एक विशाल आंदोलन चल रहा था, जिसका नतीजा आज अंत में ये निकला कि राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री महोदय ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ बैठक की और अंतिम फैसला लिया कि एग्ज़ाम 3 जनवरी को होगा। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी किताब लेकर के आए हैं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आएंगे। आपने अब तक पिछले 1.5-2 साल में स्कूल मैनेजमेंट की अनेक किताबें पढ़ी होगी, टॉपिक वाइज किताबें पढ़ी होगी, लेकिन जितने पिछले 1 साल में संशोधन हुए हैं, नई चीज़ें जो जुड़ी है, इन चीज़ों को लेकर के ये गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की किताब आपके सामने आई है। ये किताब मात्र और मात्र 30 पेज की किताब है। इसमें सभी नवीनतम डेटा है, सभी संशोधन है। मैं पूरी जानकारी आपको इस किताब के बारे में दूंगा। मात्र और मात्र 20 रुपये में ये प्रत्येक स्टूडेंट के बीच में जा रही है। दोस्तों, अब तक मात्र 7 दिन हुए हैं इस किताब को, और पूरे राजस्थान के कोने कोने से विद्यार्थी इस किताब को लेकर के खुश हैं, क्योंकि अब तक इस किताब में की बात करें हम तो 50,000 से अधिक किताबें विद्यार्थियों के बीच में पहुँच चुकी है, और प्रत्येक विद्यार्थी का पर्सनल मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर, ये किताब हमें चाहिए, क्योंकि मित्रों, इस किताब में हमने वो चीज़ें डाली हैं जो अन्य किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको सरसरी नज़र से इस किताब के कवर पेज पर कुछ चीज़ें हैं वो दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे ये विद्यार्थियों के लिए मात्र 20 रुपये में है। आप देखें, 15 दिसंबर 2019 तक नवीनतम डेटा, पिछले 1 साल के जो नवीनतम डेटा हैं, कांग्रेस सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, पोर्टल हैं, इन सब में क्या क्या संशोधन किया है वो हमने इसमें डाला है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एकीकृत शाला दर्पण, समग्र शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन का जो संशोधन हुआ है अधिनियम 2019 में, U+ प्रणाली, दीक्षा और शगुन पोर्टल, एक सैनिक स्कूल है छिंगचिप मिजोरम में जहाँ पर पहली बार लड़कियों को प्रवेश मिला है, हमने उसके बारे में भी बात की है इसमें, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के बारे में बात करी है, और राजस्थान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है उसके बारे में हमने विस्तार से लिखा है, विवेकानंद मॉडल स्कूल के बारे में हमने बताया है, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना, ये नई योजना शुरू हुई है स्कूटी वितरण की, हमने इसके बारे में भी बताया है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एकल और द्विपुत्री पुरस्कार योजना है, उसमें पुरस्कार राशि में संशोधन हुआ है, हमने इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर के आए हैं, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना, आपकी बेटी योजना, कस्तूरबा शारदे एकीकृत योजना, इन सब को हमने विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के पास में ये किताब पहुँचेगी, और विद्यार्थी इस किताब को मात्र और मात्र 3 से 4 घंटे में पढ़ करके 30 नंबर ला सकेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी सफलता में, आपके लक्ष्य में गुरु ज्ञान पब्लिकेशन आपका साथ देगा, सदैव देता रहा है और आगे भी देगा। और एक छोटी सी किताब में हमने गागर में सागर भरने का काम किया है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री चले विद्यालय की ओर अभियान जो कोटा संभाग से शुरू हुआ था, हमने इसको भी इसमें रखा है। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं, हमने उसके बारे में भी विस्तार से लिखा है। मैं इस पुस्तक को लिखने वाले और इसमें सहयोग देने वाले अनुभवी व्याख्याताओं के बारे में भी बताना चाहूँगा। साहिल सेन, आप पॉलिटिकल के स्कूल लेक्चरर हैं। डॉक्टर प्रमोद यादव, राजस्थान के कोने कोने में पढ़ा चुके हैं, आपका नाम बहुत फेमस है, आपने विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम किया है। डीपी शर्मा, आपने जितने पोर्टल है प्रत्येक पोर्टल पर आपने काम किया है। देवराज सिंह, आपने जितने अभियान है उन अभियानों पर आपने काम किया है, और 1,000 से अधिक वन लाइनर प्रश्नों पर आपने काम किया है। दोस्तों, ये अनुक्रमणिका इंडेक्स है, आप देख सकते हैं इसमें हमने लगभग 55-53 टॉपिक डाले हैं, और एक से एक बढ़िया टॉपिक सारे के सारे इसमें हमने डालने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं, स्काउट के बारे में हमने डाला है,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बारे में डाला है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में डाला है, और राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के बारे में भी हमने डाला है, और स्वयं पोर्टल हो गया। दोस्तों पिछले 6 महीने में आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उन एग्ज़ाम में स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं, हम उन्हें उन क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया है। जैसे बात करें निष्ठा नामक एक एकीकृत पोर्टल है उसको भी हमने रखा है इसमें, और रेस नामक उच्चतर शिक्षा मॉडल राजस्थान की सरकार ने अगस्त 2019 में लॉन्च किया हमने इसको भी रखा है, और स्वयंप्रभा डीटीए चैनल इसको भी हमने रखा है, अनेक प्रकार के जो हायर एजुकेशन से संबंधित हीरा है उसको भी रखा है, बालिका प्रोत्साहन यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सभी योजनाएं जो है हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। दोस्तों स्टेम कार्यक्रम जो कि दिसंबर 2019 में शुरू हुआ है हमने इसी को भी इसमें शामिल किया है, और हमारे स्कूलों के अंदर 5-स्टार रैंकिंग से संबंधित जो योजना है उसको भी हमने इसमें जगह दी है। सैनिक स्कूल की बात हमने करी है, मिलिट्री स्कूल की बात करी है, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की बात करी है, और एकलव्य विद्यालय जो कि जनजातीय क्षेत्रों में शुरू हो रहे हैं हमने उनकी भी बात की है। इस प्रकार से एक गागर में सागर भरने का काम इस किताब ने किया है। मात्र 30 पेज में सारे संशोधन हैं और 20 पेज में आपको लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन इसमें वन लाइनर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो एग्ज़ाम चलने वाला है इसमें 3 ग्रुप में ये एग्ज़ाम होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि 3 ग्रुप के अंदर 3 जीके के पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर में 30 में से 30% जो है 20 में से 20 यानी 15 में से 15% और 30 में से 30 नंबर आप ला पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आप दौड़ करके किसी अपनी नज़दीकी दुकान पर जाएंगे, मात्र 20 रुपये में ये किताब आप खरीदेंगे, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, जेब से ज़्यादा आपकी जेब ढीली भी नहीं करनी पड़ेगी, कम रुपए में आपको अधिकतम चीज़ मिलेगी और इतनी बेहतरीन चीज़ मिलेगी, गलती कुछ भी नहीं है, कोई नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम इस किताब में नहीं नज़र आएगी आपको, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 दिन में 1 लाख से अधिक स्टूडेंट के पास ये किताब जाएगी, और आगे भी मैं आपको और एग्ज़ाम से पहले कुछ छोटी मोटी रणनीति है वो भी बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम अब उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां पर हम कह सकते हैं क्रिटिकल जो स्थिति होती है वो स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो पिछले 1 महीने में तैयारी नहीं कर पाए। कारण ये था कि आंदोलन की वजह से उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका पैदा हो गई थी कि एग्ज़ाम हो सकता आगे चला जाए, इसलिए वो भी नहीं पढ़ पाए और नए वाले विद्यार्थी तो पढ़ ही नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने कॉमन सेंस के साथ उत्तर देने हैं, और आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं हैं, नेगेटिव ना करना कम, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत कम जाएगी और पेपर बहुत हार्ड आएगा। तो दोस्तों फिर भी ये तो मेरी तरफ से बातें हैं, और वो तो बाकी बातें जो है वो हम एग्ज़ाम के बाद देख पाएंगे, एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है हम उनको देख करके तय करेंगे कि हमने जो बोला था वो सत्य है या नहीं है। फिर भी इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक बार पुनः आप सभी से कहूंगा कि इस किताब को एक बार के लिए आप जरूर पढ़ें ताकि आपका नुकसान ना हो, आपके भले के लिए हैं, क्योंकि आप 3 से 4 घंटे में इस किताब को पढ़ पाएंगे, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है। तो दोस्तों इस किताब को जरूर खरीदें ताकि आपके भी 30 नंबर आपको मिल सके, 15 क्वेश्चन सही हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा, फिर मिलेंगे 2 दिन के बाद। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।